तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका रॉक एवन गेमिंग चैनल में। तो गाइस, आज मैं बहुत एक्साइटिंग वीडियो लेके आया, जहाँ पे मैं आपको प्ले स्टेशन क्वालिटी लेवल के गेम, जैसे PS4 होगा, PS3 होगा, PS2 होगा, तो जो भी प्ले स्टेशन क्वालिटी लेवल के गेम जो उन पर रन होते हैं, उनको हम लोग अपने फ़ोन में रन करके दिखाएंगे कैसे चलता है। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर WWE ऑल स्टार गेम को रन कर रहा हूँ, जो मेरे फ़ोन पे चल रहा है, और ये मेरे असूस ROG फ़ोन पे ही चल रहा है। और आप जैसे देख सकते हो, ऑन स्क्रीन आपको यहाँ पे टच लेआउट मिल जाता है। और अगर आपके पास, जैसे आप देखो वहाँ पे गेमिंग जीनी मेरा खुद का ही है, तो बहुत ही एक्साइटिंग है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। मैं आपको एक गेम खेल के भी दिखा दूंगा। अभी आपको ये वाला गेम फॉर एग्जाम्पल मैं प्ले करके दिखाऊंगा, लाइव डाउनलोड करके दिखाऊंगा, लाइव आके आपको अनफोल्ड करके कैसे करना है पूरा स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अंदर है। लेकिन एक बात याद रखना गाइस, अगर आपका बचपन 2000 से 2010 के बीच में आप थोड़े अवेयर थे, आप होश में थे, गेमिंग की दुनिया में थे, तो आपके फेवरेट गेम्स गोस्ट राइडर हो, WWE हो, गॉड ऑफ वॉर हो, फेवरेट गेम्स इसके अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल देखिए, मैं गेम रन कर रहा हूँ और ऊपर L और R दबा रहा हूँ मैं अपने असूस के की पे, अपने असूस के टच सेंसिटिव जॉयस्टिक से, फेदर टच भी बोलते हैं उसको। तो जैसे आपको देख रहा है, यहाँ पे गेम रन हो रहा है, बहुत ही बहुत बेहतरीन गेम है। इसका मैं गेम प्ले बहुत जल्दी अपने लाइव स्ट्रीम पे भी लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोफी किंगस्टन की एंट्री हो गई, और यहाँ पे हल्क होगन की एंट्री हो गई है। और आप जैसे देख सकते हो, सिर्फ बस छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड स्टार्ट करके जैसे आप देखो, इसको मार रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, और अभी इसको एक नंबर का ऊपर मुक्का मारते हैं, थोड़ा हवा पे भी उछाल देते हैं। तो ऐसा चल रहा है ये। आप डाउनलोड कैसे करोगे, ये भी तो क्वेश्चन है ना, तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर कहाँ है भाई, प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है PPSPP। तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर का मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे गोल्ड वर्जन है, उसको डाउनलोड मत करना, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कुछ सेटिंग्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल का फ़ोन स्नैपड्रैगन लेटेस्ट है तो चलता है, लेकिन 1GB 2GB फोन में भी चल जाएगा। उसके बाद आपको रन करने के लिए गेम चाहिए, तो उसके लिए गेम के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको क्रोम पे जाना है, और क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है PSP ISO गेम। जब आप ऐसे सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको MU पैराडाइस मिलेगा, तो आप MU पैराडाइस में जाके आप सर्च कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा, MU पैराडाइस में मत जाना, मेरा सजेशन आप जा सकते हो फ्री रोम, ठीक है। फ्री रोम्स में जाइए, ठीक है, freeroms.com में जाइए, और वहाँ पे जाके PSP सेलेक्ट करके आप अपने मर्ज़ी का, इधर करोड़ों गेम्स है, ठीक है। जब आप एक बार गेम डाउनलोड करेंगे तो गेम आपको कैसा दिखाएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो गेम आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है Z Achiever, ठीक है गाइस। ये एप्लीकेशन बहुत क्रिटिकल है इस प्रोसेस में, तो इसे ज़रूर डाउनलोड करना, Z Achiever, ठीक है। अपडेट का ऑप्शन है, मुझे अब इतना जल्दी करना नहीं है, तो मैं सर्च में जाऊंगा और जाके ढूंढूंगा Z Achiever। और एक बार जब मैं वहां से डाउनलोड कर लूँ, तो Z Achiever में जाके मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो फाइल कहाँ पर है। तो Z Achiever के डाउनलोड फाइल पर गया। अब यहाँ पर सबसे नीचे मोस्टली यहाँ पर WWE ऑल स्टार है, लेकिन हमने अभी अभी डाउनलोड किया था ड्रैगन बॉल जी। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, ड्रैगन बॉल जी तकनची जिप है, इस पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड ऑन द फ़ोन और स्नैपड्रैगन कैसे है वो, लेकिन गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें इतने सारे क्वालिटी गेम्स आते हैं, गॉड ऑफ वार है, गोस्ट राइडर है, WWE रॉ वर्सेस स्मैकडाउन 2006 to 2011 है, ऑल स्टार्स है, और बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री रोम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एक सेकेंड के लिए मैं देख लेता हूँ कि नहीं एग्जिस्ट है, फिर से करते, चलो कोई टेंशन नहीं है। ओके यहाँ पे है, ओके यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। तो जायद आप देख सकते हो, ड्रैगन बॉल दी तचन की ट्रैक टीम 2 आ चुका है। अब उसको सर्च कैसे करना है, ठीक है। उसको सर्च करने के लिए सबसे पहले PSP ISO में जाना है, ठीक है। उसके बाद गेम्स में जाना है, और गेम्स में जाने के बाद आपको लोकेशन सर्च करना है। अभी यहाँ पे डाउनलोड पे है, ठीक है, आप फिर से चेक कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड, ये जो आपका एप्लीकेशन है, इधर आप ढूंढोगे डाउनलोड, यहाँ पे ड्रैगन बॉल तकेंची 2 आपके सामने मैंने डाउनलोड किया है। अभी मैं आपके सामने प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है ना, अगर आप इसको दबाओगे ना, तो गेम, गाइस मैंने यहाँ पे गेम का ऑडियो कर दिया है म्यूट, ताकि आपको और भी अच्छे से समझा पाऊँ।
तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ड्रैगन बॉल तचंगी एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे अभी मैं अपना नाम डालूंगा और नॉर्मल गेम स्टार्ट करूंगा, गेम रन करूंगा वो चलेगा। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा था और आपको अभी कंटेंट भी समझा दिया। आप हाई लेवल प्लेस्टेशन के जो भी गेम्स हैं मैं आपको नाम भी बता दूंगा, गॉड ऑफ वार, प्रिंस ऑफ पर्शिया, टेकन 6, ड्रैगन बॉल जी, गोस्ट राइडर, और ऐसे बहुत सारे गेम हैं। अगर आप 2000 से 2010 में प्लेस्टेशन 2 पे खेले होंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको ध्यान देना है PSP ISO फाइल से डाउनलोड करो, PSP.ISO फाइल से डाउनलोड करना, और आपको डाउनलोडिंग प्रोसीजर भी दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना, और गाइस याद रखना आजकल का फ़ोन अभी भी प्लेस्टेशन लेवल के गेम्स को रन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे एप्लीकेशन के थ्रू बाईपास करके सब चीज़ें रन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल के वीडियो को, तब तक के लिए बाय। अपना हेल्थ, फैमिली, अपने दोस्तों को सबका ख्याल रखो, और सबसे थोड़ा दूर रहना ताकि आप लोग भी सेफ रहो और वो भी सेफ रहे, ठीक है? तो गाइस बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।